कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे जो जनरली आपकी किताबों में जिसका वर्णन रहता है। सबसे पहले हम लिटमस पेपर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपका लिटमस पेपर मैंने दो तरह का लिया है और एक तीन तरह का, दो ही तरह के होते हैं आपका, एक लाल होता है और एक नीला होता है। ये नीला है और लाल दोनों हम जो है यहाँ पर एसिड बेस अलग अलग ले चुके हैं, इनका प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम याद करने के बारे में भी जान लेते हैं। जब तक हम चीज़ों को, हमें किसी भी फॉर्म में हमारे मस्तिष्क माइंड में याद नहीं रहेगा, हम उसे बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं और हम अपनी प्रैक्टिकल को बहुत बेहतरीन तरीके से करने के लिए, देखिए जैसे अनिल आ नीला यानी कि अम्ल नीले को लाल करता है, ये याद करने का ट्रिक है। इसे नुमैट्स बोलते हैं, यानी कि किसी कार, कठिन से कठिन कार्य को इतना सरल तरीके से याद किया जाए कि हम दूसरे को बता भी सकें। अगर आपने जो है, अगर आपने कोई रिएक्शन याद कर लिया, कोई परिभाषा याद कर लिया, अब आपसे कहा जाए चलो दूसरे को बताए, तब आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने किसी तरह उसे याद कर लिया, ठीक। लेकिन होता क्या है कि आप उसे इस तरह याद करें जिसे दूसरों को भी बता सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया अम्ल नीले को लाल करता है, तो अब आप क्या करेंगे, हम नीला लिटमस ले लेंगे। क्या ये हमने नीला लिटमस पेपर ले लिया। अब एक इसमें से एक पत्ती को मैं तोड़ लेता हूँ, एक पत्ती को मैंने तोड़ लिया। अब इस एक पत्ती को तोड़ने के बाद मैंने क्या किया, ये सपोज दैट अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो अम्ल क्या करता है, ये नीला लिटमस हो गया और अम्ल हो गया। कहने मतलब पहला अम्ल हो गया, दूसरा नीला हो गया। अब हमें प्रैक्टिकल है इन दोनों के मिलने पर लाल होना। देखिए ये हमने आप ना मिला दिया, ये देखिए ये आपका लाल हो गया, ये इसका मतलब क्या हो गया, ये अम्ल है। प्रैक्टिकल का मतलब जैसे एग्जाम में प्रैक्टिकल होती, बड़ी क्लासों में प्रैक्टिकल होते, वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं पता रहेगा। आपको 4-5 बिलियन बीकर में दे दिया गया, तो बीकर में उसके बाद आपको लिटमस पेपर भी दे दिया गया, पीएच पेपर भी दे गया और भी बहुत सारे केमिकल्स दे दिए गए। अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही चेक करेंगे कि अम्ल है कि क्षार। अगर मान लीजिए ये एसिड है, क्या है, अगर इसमें लाल वाला डालेंगे तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको 1 बिलियन दिया गया, दोनों पेपर दिया हुआ है, तो अब जब इसमें हम लाल वाला डालेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। अगर अब दोनों आप डालें, एक नीला लाल हो गया, लाल में कुछ नहीं हुआ, इससे ये कन्फर्म हुआ कि ये आपका अम्ल है और एसिड है। देखिए ये तो प्रैक्टिकल की बात हो गई, ठीक। अब जैसे हमारे शरीर में पेट के अंदर जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तब हमें अम्ल का महसूस होता है, वरना अम्ल हमेशा निकलता रहता है। तो जो ये अम्ल निकलता है, एसिडिटी जिसे हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, और जब एसिडिटी हो जाती है हमारे शरीर में तो हम खाते हैं, पीते हैं इनो। और इनो के खास बात है कि जैसे ही डालिए वैसे पीजिए। इनो अगर आप जैसे उसमें पानी में डाल रहे हैं तुरंत जल्दी से पीजिए, नहीं तो सारा रिएक्शन पानी से ही हो जाएगा और सारी गैस यहीं पर निकल जाएगी, अंदर जाके रिएक्शन कम होगा, जो बचा रहेगा वहीं पर होगा। तो हम क्षार के बारे में देखते हैं बच्चों। अब जैसे ये क्षार है, NaOH है, ये देखिए ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको मैंने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक। इसका परमाणु क्रमांक, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 23 और 16 39 एक 40। ये उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, क्षार है। क्षार क्या होगा, अम्ल का उल्टा, लाल को क्या करेगा, देखिए ये हमने डाल दिया इसमें,
देखिए ये नीला हो गया ना, दिख रहा है सभी को? ये जो है सबसे सिंपल प्रैक्टिकल है, हमें केमिस्ट्री में अगर स्टार्टिंग में पढ़ना है बच्चों तो सबसे पहले अम्ल और क्षार आपको आना चाहिए। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।